रायपुर की पुरानी बस्ती इलाके में एक युवती से होम लोन दिलाने के नाम पर 55,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। ठगी का शिकार हुई युवती की शिकायत पर पुरानी बस्ती पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल कैलाशपुरी की रहने वाली वर्षा धनगर ने अखबार में बजाज फाइनेंस कंपनी का विज्ञापन देखकर 15 लाख रुपए होम लोन लेने की बात कही थी। इसके बाद ठग ने ईएमआई के नाम पर अपने खाते में पीड़िता से पहले 22,000 रुपए जमा कराए। इसके बाद पीड़िता ने 3 बार में कुल 55,000 रुपए आरोपी के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। नंबर छपा हुआ था बजाज फिंसर का, उस नंबर पे होम लोन के लिए उन्होंने फोन किया। फोन के बाद वहाँ से किसी मिथिलेश कुमार ने फोन रिसीव किया और अलग अलग रूप से ठगी करते हुए 55,338 रुपये उससे अलग अलग किस्तों में ठग दिए। बाद में उन्होंने पाया कि यह जो कंपनी है कहीं ना कहीं ठग का शिकार हो गई, जिस पर उन्होंने शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत पर से थाना पुरानी बस्ती में चार्ज हुई।